आज हम हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में, रामनगर। तो हमें ये मालूम हुआ कि वहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं जो सेवा में सबसे आगे आ रही हैं। उसी संस्थाओं में से हमारी आज बातचीत होने जा रही है श्रीमती पूजा जी से। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या अभी तक राशन और कहाँ कहाँ सेवाएं बांटी हैं। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार जी। मैडम, ये बताइए कि अभी तक कैसे आपके मन में विचार आया कि आपको सेवा भाव में आगे आना चाहिए? देखो, जैसे कि हम लोग शुरू से ही राम मंदिर से भी जुड़े हैं और शुरू से ही एक समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारा शुरू से ही रहता है लोगों की सेवा करना। जो भी लोग मजबूर है उनकी मदद करना, वो किसी भी प्रकार के हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो हम लोग हमेशा शुरू से ही बढ़ चढ़ के हम लोग मदद करते हैं। तो अब जैसे कि देश मुश्किल में है, कोरोना से हम लोग सब दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं, इतनी जाने जा रही हैं, तो हम सबका फर्ज है कि हमें आगे बढ़कर अपने देश का साथ देना चाहिए। तो उसी तरह से हम सबका मन हुआ कि हम भी, हमसे जो होगा हम संस्थाओं के थ्रू अपने लेवल पे हम मदद करेंगे। पूजा जी, हमें ये भी मालूम हुआ है कि आपने यहाँ इलेक्शन भी लड़े थे, हाँ जी, और इलेक्शन लड़ने के बाद किसी कारण आपको वोट कम मिलने के कारण आप उसमें नहीं आप तो उसमें आपको पद नहीं मिल सका। तो अब आगे आप एकदम आप आपके मन में ये विचार आया कि हमें सेवा भाव में आगे आना चाहिए, तो सेवा भाव में आप किन-किन लोगों को राशन मुहैया करवा रहे हैं और किन किन संस्थाओं से के थ्रू, और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने बताया मैंने इलेक्शन लड़ा, जब इलेक्शन लड़ा तब भी यही मोटो था कि हमें लोगों की सहायता करनी है। रामनगर एक पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ का काम करवाना है। वार्ड नंबर 19 में बहुत ऐसे एरिया थे जो पिछड़े हुए थे, इसलिए पहले भी यही मकसद था, लोगों की सेवा करना, अपने इलाकों में डेवलपमेंट करना। तो आज जैसे कि कोरोना के कारण देश बहुत मुसीबत में है, तो इसीलिए हमारे को अब भी वही सब दिख रहा है कि हमें आज भी मदद ही करनी है लोगों की। जब भी यही लक्ष्य था, आज भी यही है। तो इसलिए जो लोग मजबूर लोग, मजदूर लोग, रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी वाले लोग, जो घरों में, जिनके घर में एक टाइम का राशन भी नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको, बड़ों को तो फिर भी राशन मिल रहा है, बच्चों को तो खाने को सर राशन भी नहीं है, वो रोटी नहीं खा सकते हैं। रोटी तो हर जगह मिल रही है, उनको दूध कोई नहीं देने वाला। तो ऐसे भी ये चीजें भी सामने आ रही है, जिसे देखकर बड़ा मन दुखी होता है। तो हम इसीलिए हमने फाउंडेशन की तरह, शांति फाउंडेशन से, गुरुद्वारा मंडेबर से, नरसिंह पाल जी से, ये छिंदा जी से, रघुवीर सिंह छिंदा जी हमारे फरकपुर से, इन सबसे मिले और इन्होंने, हमने इनको अपने जो भी मजबूर लोग थे उनसे अवगत करवाया और उन्होंने इनकी हेल्प करी। पूजा जी, आप एक औरत होने के बावजूद आपके मन में ये बहुत अच्छा विचार आया कि हमें सेवा भाव में सबसे आगे आना चाहिए, और उसके बाद आप जिन जिन संस्थाओं के थ्रू आप खाना बांट रहे हैं और लोगों के घर जाकर उनकी सेवा भाव में आप दिल से सेवा कर रहे हैं, तो उनमें अभी तक आपको कोई ऐसा नीडेड, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा लगा कि जिसको बहुत ज़रूरत है खाने की, जो आपके पास आया हो? बिल्कुल जी, यहाँ पर कश्मीर की लेबर पड़ी है, वो कश्मीरी आए हैं जो यहाँ काम करने आए थे। पाइपलाइन का काम चल रहा था लॉकडाउन से पहले, तो अचानक से लॉकडाउन हो गया और वो लोग यहाँ फंस गए। अब उनके पास ना तो कुछ पैसे हैं, ना ही कोई लोकल कोई सुविधा है जिनको वो ले सके। तो ऐसे में हमारा फर्ज सबसे पहले उनकी तरफ बनता है कि जो लोग हमारे एरिया में बाहर से आए हुए हैं, उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो उनकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा उनको जो भी हमसे हुआ, हमने राशन भी दिया, पका हुआ खाना हमने उनका बांध दिया है, जो चाय पानी और जो छोटी मोटी चीजें उनको जरूरत पड़ती है उनको समय समय पर जरूर देते रहते हैं। तो पूजा जी, जैसे आप देख रहे हो कि पूरा वर्ल्ड इस महामारी से जूझ रहा है, और इसमें जैसे अमेरिका जैसा देश जो इतना बड़ा पावरफुल देश है, वो भी इसके आगे घुटने उसने भी टेक दिए, जी और इटली जैसा देश जिसे कि जमीन कम पड़ गई है अपनी दफनाने के लिए, और लोगों की लाशें ऐसे पड़ी हैं कि उनको कोई उठाने वाला नहीं, तो हमारा देश तो फिर भी उसके मुकाबले काफ़ी मजबूत है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लॉकडाउन का पालन करें, उसके बारे में आप हमारे देशवासियों को, रामनगर वासियों को, यमुनानगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये जो मोदी जी का इस महामारी से लड़ने का तरीका है, लॉकडाउन का तरीका, यही एकमात्र तरीका है इस महामारी से लड़ने का।
तो लोगों को, मुझे, रामनगर वालों को, यमुनानगर वालों को, पूरे देशवासियों को मेरा यही मैसेज है कि प्लीज प्लीज घर में रहें और सेफ रहें और इस महामारी को से बचें। और आपको डर नहीं लगता बाहर निकलते हुए? नहीं, डर क्यों नहीं लगता, हम सेफ्टी यूज करते हैं, अपने मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, बाकी सेवा सबसे पहले है। पूजा जी, बहुत अच्छा आपने जो मुहिम चलाई है, बहुत बढ़िया चलाई है, और इंडिया 91 आपको सलाम करता है। आपने देखा हमारी बातचीत हो रही थी पूजा जी से, और पूजा जी जैसी बहुत सी औरतें हैं जो इस काम में सबसे आगे आ रही हैं और सेवा भाव में और इस तरह के काम में, यानी कि लोगों के घर जाकर लोगों की बातों को, लोगों की मजबूरियों को, लोगों की मुसीबतों को सुनना और आगे आना। इंडिया 91 ऐसे औरतों को और ऐसी लेडीज जो सबसे आगे आने वाली हैं उनको सलाम करता है। इंडिया 91 से